दोस्तों, यदि आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है रमी एप्लीकेशन पर, किसी भी रमी एप्लीकेशन पर, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको ट्राई करके देखना है वो काम करता है या नहीं। यदि काम करता होगा तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी सबको भी पता चल जाए कि ट्रिक वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों का कमेंट आया था, इसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत भाई लोग का, जैसे आपका किसी का IFSC कोड में गलत होगा, या फिर बैंक अकाउंट नेम नंबर लिखे हैं उसमें से एक आध नंबर मिस्टेक होगा, या फिर पूरा बैंक अकाउंट नंबर ही गलत होगा, या फिर आप उस बैंक अकाउंट अकाउंट को हटाकर दूसरा बैंक अकाउंट करना चाहते हैं, तो सब आप सभी के लिए वीडियो है, आप पूरा देखिएगा अंत तक। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपका ट्रिक काम कर गया तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है। तो जैसे मेरा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बैंक अकाउंट डला हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले विड्रॉल पर क्लिक करना है, देखिए फास्टेस्ट फिंगर करना है, यानी आपको एकदम जल्दी से करना है, ताकि आपको थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो, जैसे मैं देखता हूँ दिखाता हूँ, यहाँ पर लेट करता हूँ तो वापस मेरा नंबर आ गया जो पुराना था। तो यहाँ पर आपको जल्दी करना है, उसके बाद यहाँ पर फिर से देखता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पर फिर से जो नया वाला असली वाला है उसको अकाउंट नंबर को डाल दीजिएगा, यूज़र नेम, IFSC कोड, बैंक नेम, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, देखिए। और यदि आपका UPI का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट में आपको बात करना पड़ेगा, तो वहाँ पर से जो बोला जाएगा वो कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर यदि आपका हो जाता है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं बाकी यूट्यूबर्स का देखा तो उन्होंने ऐसा ही ट्रिक बताया। मेरे को लगता है एक काम करेगा, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट वाले बैंक आपका चेंज नहीं कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आप ऐड किए हैं आप ही कर सकते हैं। तो यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। तो ऐसे ही आप फास्टेस्ट फिंगर खेल के आप अपना चेंज कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। यदि और भी कोई प्रॉब्लम होगा आपको, यदि विड्रॉल रिजेक्ट या प्रोसेसिंग होता है, कब विड्रॉल लगाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानना है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग का प्रॉब्लम है कि प्रोसेसिंग पे चला जाता है, रिजेक्ट पे चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इस बैंक सर्वर प्रॉब्लम के कारण। तो उसके लिए आपको कुछ फिक्स टाइम रहता है, उसी टाइम पे आपको विड्रॉल करना चाहिए। जैसे 10 बजे से 5 बजे तक आपका UPI रहता है, देखिए अभी शाम हुआ है, गायब हो गया है, कल 9 या 10 बजे आपसे UPI आएगा, तब उसके बाद ही आप विड्रॉल करिए, बैंक के थ्रू भी करिए, लेकिन वहाँ पर जल्दी होगा। यदि अभी करिएगा तो आपका सुबह तक हो जाएगा, 4-5 घंटा लगा देगा विड्रॉल होने में। मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।